हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एज्योर की सीरीज का। इस वीडियो है एज्योर की सीरीज, तो एज्योर के पोर्टल को वॉक थ्रू करेंगे, जाएंगे और देखेंगे एज्योर में क्या क्या चीज़ें होती है और उस सब को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एज्योर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो एज्योर में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम लोग आज जानेंगे। साथ में एज्योर के सारे प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या आप देख सकते हैं, ये स्टोरेज अकाउंट, ये जेंटू स्टोरेज अकाउंट है आपका। ये जेंटू स्टोरेज अकाउंट में आप फाइल्स हमारे डेल्टा टेबल के अंदर, आप डेल्टा टेबल में फॉर्म में आप फाइल को डेटा को रख सकते हैं। साइज बहुत छोटा होता है इसलिए आप डेटा टेबल के फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ पे ये कंटेनर्स होते हैं, आप डिफरेंट कंटेनर्स बना सकते हैं और उसके कंटेनर्स की आप यहाँ पे प्राइवेसी भी सर्च कर सकते हैं कि आपका कंटेनर क्या सिक्योर कंटेनर, नॉन सिक्योर कंटेनर बना सकते हैं, किसको एक्सेस देना चाहते हैं उसको भी, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। कंटेनर्स के अंदर आपके फाइल्स होती, फोल्डर्स होते हैं या फाइल्स होती है। यहाँ पर आप क्लिक करके न्यू कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हैं। इस कंटेनर के अंदर जाके आप अपलोड या फिर ऐड डायरेक्टरी काइंड ऑफ स्टफ ये भी कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है अपलोड ब्लॉक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट की और ये चूज रेस्ट्रिक्शन स्कोप एडवांस में जाके आप अपलोड टू अ फोल्डर काइंड ऑफ स्टफ वो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा आप अपने हिसाब से। ये था स्टोरेज अकाउंट। एक हमारा जेनवन भी होता है, आप देखें ना जेनवन एक आता है जेनवन, ये थोड़ा सा जेनवन खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला का मतलब क्या है, जेनवन ये इसकी एंड सीरीज एंड, मतलब ये खत्म, मतलब ये अब 2023 या 2024 में शायद ओवर होने वाला है। तो अब यहाँ पे भी क्रिएट डाटा लग जेनवन स्टोरेज का भी एक होता है। अभी तो कोई आजकल तो कोई यूज नहीं करता क्योंकि ये अभी बंद होने वाला है, तो अभी कौन बनाएगा जेनवन में, बेस्ट है जेंटू में जाओ। डेल्टा स्टोरेज हो गया, पार्केट फॉर्म में डेटा रख सकते हैं आप। ये स्टोरेज अकाउंट हो गया, ये दिखा दिया डाटा फैक्ट्रीज। डाटा फैक्ट्रीज क्या होती है, ETL टूल होता है जिससे आप डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इसको ओपन करूँ डाटा फैक्ट्री को, इट्स ओपन डाटा फैक्ट्री। डाटा फैक्ट्री में क्या ना आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डाटा फैक्ट्री में आप नोटबुक एक्टिविटीज़ हो गई, आपकी पाइप लुकअप एक्टिविटीज़ हो गई होगी, एक पाइपलाइन, एक स्मॉल सा छोटा सा पाइपलाइन बना के दिखा देते हैं, सारे चीज़ों को कवर करेंगे आप, चिंता मत कीजिए। कॉपी डेटा, कॉपी डेटा क्या करता है, कॉपी डेटा को कॉपी करने के लिए काम आता है, इसको डिलीट कर देते हैं फॉर द टाइम भी। एज्योर डाटा लेक स्टोरेज में ये आपका दिखाएगा एज्योर फंक्शन, किसी फंक्शन ऐप को आप अगर यूज़ करना है तो आप इसके लिए इस्तेमाल आता है। डाटा ब्रिक्स में आप नोटबुक एक्टिविटी आती है, नोटबुक जनरली क्या करता है, नोटबुक एक्टिविटी में कोई जी लुकअप के स्टफ, लुकअप से डेटा लेके जेसन के फॉर्म में नोटबुक में पास करते हैं। नोटबुक में पास करने के बाद डाटा ब्रिक्स का इस्तेमाल करके आप कोई भी वहाँ पे आप डेटा को मूव कर सकते हैं, डेटा टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्केट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई काइंड ऑफ स्टफ सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे एज योर डाटा ब्रिक्स पे आप डेटा लिंक सर्विसेज होनी चाहिए एज योर डाटा ब्रिक्स से, और यहाँ पे आप नोटबुक पाथ आप डाल सकते हैं। बेस्ट अप्रोच है हार्ड कोडेड ना करें, आप लुकअप से नोटबुक पाथ लेके आए, वो आपको SQL सर्वर में डेटा नोटबुक का पाथ डाल कर रखे वो सही रहेगा। यहाँ पे आप सेटिंग्स में यहाँ पे आपका अपेंड लाइब्रेरीज भी आती है, आप चाहे तो एक अपेंड लाइब्रेरी काइंड ऑफ स्टफ यहाँ पे जार फाइल अपेंड कर सकते हैं अगर आपको लगा रहा है मेरे को यहाँ पे नहीं करना है। तो इन दैट केस आप जो लिंक सर्विसेज बना रहे ना वहाँ पे आप क्लस्टर इनिट पाथ होता है, क्लस्टर इनिट पाथ में आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं लाइब्रेरी को। अगर वो भी नहीं बन कर रहा है तो नोटबुक के अंदर आप ऐड जार का कमांड होता है वहाँ से आप डाल के, उस डालने के बाद आपको क्या करना पड़ता है ना, आप जो भी लाइब्रेरी का कुछ कनेक्शन होता है एक कोई स्पार्क कॉन्फ़िग में डालना पड़ता है, उसकी लिस्ट सेट करना पड़ता है, तो वो आप कीवर्ड में जनरली रखते हैं उस की को, उसको वहाँ से उठा के आप वहाँ पर डालते हैं। वो तीनों ऑप्शन में डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हमारा नोटबुक एक्टिविटी है, आप चाहे नोटबुक एक्टिविटी को मैं डिलीट कीवर्ड काम नहीं कर रहा है, यहाँ से डिलीट करना पड़ता है। इसके बाद डाटा एनालिटिक्स यूज सिक्वल है, जनरल में क्या है ना अपेंड वेरिएबल डिलीट एक्टिविटी फिर गेट मेटा डेटा और ये सब, एक स्टोर प्रोसीजर एक्टिविटी है। ये क्या करेगा, हमारे
यहाँ से स्टोर प्रोड्यूसर क्या करेगा ना, कोई भी आप यहाँ से लुकअप को डेटा पास कर सकते हैं, और आप सिनैप सर्वर या स्वीकल सर्वर में आपका क्या होगा ना, वहाँ पे कुछ डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टेबल में, या तो डिलीट होगा या तो आप अपडेट कर सकते हैं किसी किसी पैरामीटर को आप इंसर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। वेब एक्टिविटी क्या होता है, एक वेब एक्टिविटी एक आपका HTTP काइंड ऑफ स्टफ होता है, और एक वेट मतलब रुकने के लिए, सारे चीज़ों को कवर करेंगे। लुकअप आप यहाँ से कुछ हमारा कुछ डेटा हमें स्नैप के सर्वर से लेके फिल्टर आउट करके यहाँ पे भेज देना चाहता हूँ इस पाइपलाइन को, इन दैट केस वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सोर्स डाटा सेट होगा हमारा, सोर्स डाटा सेट ये सब चीज़ें सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। नथिंग HD इनसाइट्स है, मशीन लर्निंग का है, कुछ चीज़ें हैं अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे ना, एज्योर बहुत ज़्यादा वास्ट है, अगर आप सीखने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग भी सारे वीडियो सारे चीज़ें कवर करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। डाटा फैक्ट्री के वीडियोस में अगर बोलूँ तो 50+ वीडियोस हो ही जाएंगे। फॉरिच एक्टिविटी क्या होता है, अगर आपने फॉरिच इस्तेमाल किया हमारे ASP.NET कोर में, अगर इस्तेमाल किया है और उसी तरह से फॉरिच होता है, मतलब एक इटरेट करता है, लूप में अंदर जाता है, वहाँ पे फिर डेटा आप यूज कर सकते हैं। इफ क्या, इफ एक्टिविटी क्या होता है, इफ एक्टिविटी पता है आपको, इफ कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, फॉल्स में कुछ डाल सकते हैं, ट्रू में डाल सकते हैं। और ये डाटा फैक्ट्री में एक चीज़ है, मेरे ख्याल से 40 40 मैक्सिमम एक्टिविटीज होती है जो आप पाइपलाइन में डाल सकते हैं मेरे ख्याल से। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वो कितना होता है आपका, पर अराउंड 40 का होता है, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका पाइपलाइन पब्लिश ही नहीं होगा, वो चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपको तो अपने अगर बहुत ज़्यादा आपका लुकअप्स बहुत सारे एक्टिविटीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इन दैट केस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा ध्यान। स्विच एक्टिविटी भी है, ये यार यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा। तो इस सारे डाटा फैक्ट्री के ये सब चीज़ें थी, तो डाटा फैक्ट्री को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अभी जाते हैं दूसरे चीज़ों को, ठीक है, यहाँ पे होम पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन का, एक है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। SQL डाटाबेस हमारे होते हैं, वहाँ पे डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं आप। मोर सर्विसेज में जाऊँगा मैं, अगर ऑल सर्विसेज में जाता हूँ, मोर सर्विसेज की जगह पे यहाँ पे कितने सारे रिसोर्स ग्रुप क्या हो गया, टैग्स, सर्विसेज, मार्केट प्लेसेस, सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं आप सब कुछ कवर। ये वर्चुअल मशीन्स हो गया, एप्लीकेशन ग्रुप्स, इतने सारे सर्विस, आप देखिए कितने सारे सर्विसेज हैं यहाँ पे, आप एक्सप्लोर करने जाएंगे इतने सारे सर्विसेज होंगे, आप थक जाएंगे देखते देखते। ऐप सर्विसेज है मेरे पास, सिंगल सिग्नल IR, पावर प्लेटफॉर्म है हमारा, कंटेनर इंस्टेंस, एज्योर कॉस्मोस DB है, एज्योर स्विकल है, इतने सारे एज्योर डाटा ब्रिक्स है हमारे पास, पावर BI एम्बेडेड है। आप देख रहे हैं AI फॉर मशीन लर्निंग, ये ट्रेंडिंग में टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है एज्योर में, सारे चीज़ें, इतने सारे सर्विसेज एज्योर प्रोवाइड करती है, ठीक है। एज्योर IoT है, आप IoT नेटवर्क हब्स, ये सब सारी चीज़ें, वेब एप्स आप बनाना चाहते हैं, आप उसको डालना चाहते हैं यहाँ पे एज्योर पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो एज्योर है अपने पास। एज्योर डाटा फैक्ट्री, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी काइंड ऑफ स्टफ बनाना चाहते हैं, कि इतने सारे यूजर्स हैं जो उसको वहाँ से मैनेज करेंगे, और वही यूजर्स आपका रोज काइंड ऑफ स्टफ बना सकते हैं, वही यूजर आपके किसी वेब ऐप को यूज करे या फिर दैट काइंड ऑफ स्टफ, वो भी आप डाल सकते हैं। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हेल्प से आप SQL सर्वर में लॉगिन का ऑप्शन डाल सकते हैं, ये भी चीज़ें आप डाल सकते हैं यहाँ पे। कीवर्ड्स, हमारा कीवर्ड्स होता है हमारा कोई भी सीक्रेट्स को मैनेज करने के लिए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे एज्योर कीवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। एडवाइजर, ये सब चीज़ें, इतने सारे चीज़ें आप देखो ना, इतने सारे ऑप्शंस है एज्योर में, तो ये सब धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे एज्योर में। अगर आपको एज्योर का कुछ भी नॉलेज नहीं है फिर भी आपको हम लोग सब कुछ कवर करेंगे यहाँ पे, स्लोली स्लोली सब कुछ आप जान लेंगे एज्योर का। तो इस वीडियो में यही था, वॉक थ्रू था एज्योर का, पोर्टल कैसा दिखता है और ये सब चीज़ें कैसे दिखती हैं। आप यहाँ पे एक डैशबोर्ड का भी ऑप्शन आता है, यह डैशबोर्ड में आप कुछ पिन कर सकते हैं, हम अपना डैशबोर्ड में ये सब सारे कोई भी चीज़ें पिन कर सकते हैं, यहाँ पे अपना एक न्यू डैशबोर्ड, ब्लैंक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी आपका जितने भी
डेटा होगा, कोई भी आप इसे पाइपलाइन होगी, डाटा फैक्ट्री होगा, डाटा बेस होगा, यहाँ पे पिन कर सकते हैं और बाद में आप जाके आप देख सकते हैं उसको। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने जाना कि एज्योर पोर्टल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको कैसे सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को रैम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से सारी इसी तरह से इसी टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। आपका ASP.NET कोर हो गया, .NET फ्रेमवर्क हो गया, CSS हो गया, HTML हो गया, सब कुछ कवर होगा, एज्योर भी हो गया, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। वन प्रोग्रामिंग हमारे फेसबुक पेज है, अगर उसको फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है, स्क्रैच से एक वेबसाइट बना रहे हैं जो आपको जो इससे आप सीख लेंगे तो बहुत आपको हेल्प होगी। लेटर ऑन आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आराम से इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। टिल देन बाय।